हेलो एवरीवन, स्टडी अपडेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके लिए यूपी पुलिस 49,500 अड़फट वाली भर्ती को लेकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बहुत बड़ी अपडेट लेकर के आया हूँ। दोस्तों अभी अभी नोटिस जारी किया गया भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके अभी जुड़ जाएँ। बराबर में बेल आइकन घंटी है उसको ऑल कर लेना, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो स्टडी अपडेट हम चैनल के द्वारा मिल सके, क्योंकि हर एक न्यूज़ आपको ऑथेंटिक प्रूफ के साथ सबसे पहले सबसे तेज़ यहाँ पर न्यूज़ मिलती है। तो दोस्तों आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। यूपी पुलिस 49,500 अड़फट DVPST ऑफिशियल नोटिस जारी स्टडी अप बेटम चैनल के। तो दोस्तों अभी अभी ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। सत्य एवं सटीक जानकारी स्टडी अप बेटम चैनल के द्वारा छूटे हुए अभ्यर्थियों को मिलेगा मौका। जानिए बचे हुए अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड कब से जारी होने वाले हैं। सत्य एवं सटीक जानकारी, वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। सभी मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें, जिससे उनको भी पता चल सके। स्टडी अपडेट टाइम एक ऐसा यूट्यूब पर चैनल है एजुकेशन के क्षेत्र में सबसे अग्रणी, जो आपको पल पल की अपडेट देता रहता है और आगे भी आपको ऐसे ही अपडेट मिलती रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रणति बोर्ड 19 तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स मार। तो इसमें क्या दिखा हुआ है, दिसंबर देख सकते हैं, यहाँ पर आज ही नोटिस जारी किया गया है। आरक्षी नागरिक पुलिस व आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कॉन्स्टेबल के पदों पर सीधी भर्ती अक्टूबर 2018 की भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानव परीक्षण का आयोजन के अंतर्गत परवर्ती तिथि की आवश्यक सूचना विषयक उपरोक्त विषयक बोर्ड की समय सूचना विज्ञप्ति दिनांकित 6/12/2019 में के क्रम में सूचित किया जाता है कि अपरिहार्य कारणों से आरक्षी नागरिक पुलिस व आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कॉन्स्टेबल के पदों पर सीधी भर्ती अक्टूबर 2018 के अंतर्गत रिजर्व पुलिस लाइन्स मेरठ, ये मेरठ की न्यूज है, दिनांक 16/12/2019 को निर्धारित अभ्यर्थियों की अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मार्ग परीक्षण DVPFT अपरिहार्य कारणों से संपन्न नहीं हो सका। कुछ ऐसे कारण थे जिस वजह से अभ्यर्थियों का DVPFT वहां पर नहीं कराया गया, उसके संबंध में नोटिस आया हुआ है। दोस्तों देख सकते हैं तदनुक्रमशः इस परीक्षा केंद्र के दिनांक 16/12/2019 के अभ्यर्थियों की अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण परवर्तित तिथि जो 20/12/2019 शुक्रवार D21 को रिजर्व पुलिस लाइन मेरठ में कराए जाने का निर्णय लिया गया है, क्योंकि 21 जो है D21 के अंदर रेस्ट डे है यानी शुक्रवार को, तो उन अभ्यर्थियों का जो छूटे हुए हैं उनका यहाँ पर कराया जाएगा। उक्त अभ्यर्थियों को पृथक से उक्त दिवस के प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किए जाएंगे। परवर्तित तिथि 20/12/2019 को पूर्व निर्गत प्रवेश पत्र ही मान्य होंगे। तो जिन अभ्यर्थियों के जो प्रवेश पत्र पहले खुले हैं यानी डेट लिखी हुई है उन पर 16/12, तो दोस्तों वही प्रवेश पत्र लेकर के जाने हैं 20/12/2019 को D21 वाले, जो है उसी दिन आपका DVPST यानी करा दिया जाएगा, उस दिन रेस्ट डे है। एडमिट कार्ड आपके वही मान्य होंगे, कोई भी एडमिट कार्ड द्वारा से जारी नहीं किया जाएगा भर्ती बोर्ड की तरफ से, जो 16/12/2019 के अंदर मेरठ पुलिस लाइन में अभ्यर्थियों का DVPST होना है, उसी एडमिट कार्ड से दोबारा कोई भी एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा 20 तारीख दिन शुक्रवार। रिजर्व पुलिस लाइन जनपद मेरठ के दिनांक 16/12/2019 के अभ्यर्थी परवर्ती तिथि 20/12/2019 शुक्रवार D21 को अभिलेखों की समीक्षा इन शारीरिक मानक परीक्षण हेतु निर्धारित परीक्षा केंद्र तिथि व समय पर अपने सेंटर पर पहुँचना सुनिश्चित करेंगे, वही एडमिट कार्ड ले जाना, कोई भी एडमिट कार्ड दोबारा से जारी नहीं किया जाएगा भर्ती बोर्ड की तरफ से। और दोस्तों और शेष जो अभ्यर्थी हैं उनके एडमिट कार्ड बहुत जल्दी भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएंगे, वो भी आपको पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी मित्रों में शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार आई हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे ही आपको अपडेट मिलती रहेगी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। थैंक यू दोस्तों।